प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार आस्था के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली देखने का प्रत्येक भाव राशि युक्ति ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कर। आज एक बहुत अच्छा वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शनि ग्रह कुंडली के किन किन राशियों में एवं भावों में आपको भाग्यशाली, विद्वान, उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। जिसकी कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में तुला राशि है, उसमें शनि अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग पूर्ण सफल रहते हैं जीवन में, उद्योगपति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में वृषभ राशि हो, उसमें अगर शनि बैठा हुआ है, क्या बात है दोस्तों, ये रंग से राजा बनते हैं, इनको माता पिता से भी सहयोग मिलता है, ऐसे लोग राजनीति में भी सफल होते हैं, ऐसे लोग व्यवहार में भी सफल होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में तुला राशि हो, उसमें शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर बनते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में कुंभ राशि बैठा हुआ हो और उसमें शनि बैठा है दोस्तों, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सफल रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इच्छानुसार शादी होती है, ऐसे लोग को सरकार से भी उच्च पद मिलता है, राजनीति में विधायक संसद बनते हैं और पूर्ण सफल। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मकर राशि हो, उसमें शनि अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, अपने जीवन में कई जमीन जायदाद के मालिक बनते हैं, ऐसे लोग कई व्यापार करते हैं, उद्योगपति बनते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली लग्न से ग्रहमय भाव में तुला राशि का शनि बैठा हो, ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, इनका जीवन सफल होता है, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ये बहुत कम उम्र से ही स्वावलंबी हो जाते हैं, पूर्ण विद्वान होते हैं और उद्योग राष्ट्र में उद्योगपति बनते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मैं आपको फोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को मैं फोन नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरा फोन नंबर 9425308111। कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराने की इच्छा रखते हैं तो मेरे फोन पर संपर्क करिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको शुल्क देना होगा, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, नमस्कार।